डिविजिबिलिटी रूल और कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल और जब कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल पढ़ लिया तो उसके बाद हमने हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एल सी एम और प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड जो थे वो हमने डिस्कस किया था ओके okay? नाउ अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बहुत अच्छे से आपने किए थे स्टूडेंट्स अब हमें उनको राइट करना है व गिवन सम नंबर हेयर वी हैव टू राइट डेयर फैक्टर्स ओके मल्टीपल्स आपको बहुत इजी वे में बताया गया था स्टूडेंट्स फैक्टर्स तो वो चीजें होती है वो पॉइंट होते हैं वो नंबर होते हैं जिन जिन नंबर्स की टेबल में है ये गिवन नंबर हमारे आते हैं ओके okay? और फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं फाइनाइट होते हैं और जो मल्टीपल होते हैं वो सेल्फ उस टेबल उस नंबर की टेबल होती है और वो हमारे इनफाइनाइट होते हैं कंटिन्यूसली चलते रहते हैं ओके सो वी हैव टू राइट द ऑल फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन नंबर सो फर्स्टली आई एम राइटिंग फैक्टर ऑफ ट्वेंटी फोर सो फैक्टर ऑफ ट्वेंटी फोर लिखने का मीनिंग है कि आपने ट्वेंटी फोर को किस किस टेबल में देखा है वी हैव सीन इन द टेबल ऑफ वन इन द टेबल ऑफ टू ऑल्सो इन द टेबल ऑफ थ्री ऑल्सो

वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये फिफ्टी नेक्स्ट पार्ट दे रखा है आपको मैं एक थोड़ा सा इजी वे बताती हूँ आप इन फैक्टर को कैसे लिख सकते हो फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन जो हमें लिखने हैं हम लिखेंगे इसी वे में बट क्या होता है कम uh, कभी कभी ना समाइम्स स्टूडेंट्स को जो होती है टेबल अच्छे से लर्न नहीं होती है ओके लाइक वी हैव लर्न द टेबल ट्वेंटी फोर में देखिए आप स्टूडेंट्स uh, को वन की टेबल लर्न होती है टू की थ्री की फोर की सिक्स की एट की ठीक है ज्यादा से ज्यादा एट तक उनको टेबल लर्न होती है ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर की नहीं होती है तो वो ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर के फैक्टर्स को नहीं लिखेंगे बाई चांस उनके माइंड में ना आए तो क्या करना है आपको कभी कभी अगर ऐसा हो तो आपको ना एक ऑर्डर पकड़ना है क्या जैसे हम फिफ्टीन की टेबल स्टार्ट करते हैं फिफ्टीन की टेबल वन की टेबल में आएगी सॉरी फिफ्टीन जो है वो आपका वन की टेबल में आएगा लेकिन वो किस पॉइंट पे आएगा वो फिफ्टीन पर आएगा तो आप वो इस साइड लिख दीजिए यानी कि जिस नंबर पे जिस जिस टेबल में फिफ्टीन जिस नंबर पर आ उसी नंबर को आप साथ साथ यहां लिखते चलिए लाइक वन की टेबल में फिफ्टीन फिफ्टीन पर आता है टू की टेबल में फिफ्टीन नहीं आता है टू इज द इवन नंबर थ्री की टेबल में जो आपका फिफ्टीन है वो फाइव पर आता है ओके तो ये आप लिख दीजिए ऐसे अब आपके फैक्टर्स क्या क्या होंगे वन थ्री फाइव फिफ्टीन इसके अलावा तो और किसी भी टेबल में ये नंबर्स नहीं आते हैं। तो आप फैक्टर को बॉर्डर बना के लिख लीजिए वन थ्री फाइव फिफ्टीन ये आप रफ वर्क कीजिएगा ओके तो ऐसे आपको एक साथ आपको फिफ्टीन और फाइव की टेबल तक नहीं जाना पड़ा स्टूडेंट्स तो आप इस तरह से इजीली किसी भी नंबर्स के फैक्टर राइट डाउन कर सकते हैं लाइक मैं आपको ट्वेंटी वन का कहूं तो मैं आपको यहाँ जस्ट ट्वेंटी वन का भी बता देती हूँ ट्वेंटी वन इन द टेबल ऑफ वन जो है ट्वेंटी वन आपका ट्वेंटी वन पर ही आता है तो मैं वन यहाँ लिखूंगी और ट्वेंटी वन यहाँ लिखूंगी आफ्टर दैट वन के बाद ये जो है टू की टेबल में नहीं आता ये थ्री की टेबल में आता है और थ्री की टेबल में ये सेवन पे आता है तो मैं थ्री इधर लिखूंगी सेवन इधर लिखूंगी ओके okay? अब इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता सेवन पे आता है बट आई हैव द सेवन मैं सेवन को ले चुकी हूं ओके okay? तो वन थ्री सेवन ट्वेंटी वन तो ये आपके नंबर्स होंगे जिनकी टेबल में ट्वेंटी वन आता है

कि 21 को आप ऐसे ही लिखिए बट राइट सेपरेटली जैसे वन की टेबल में ट्वेंटी आया तो वन और ट्वेंटी दोनों इसके फैक्टर हो गए थ्री की टेबल में सेवन पर आया तो थ्री और सेवन दोनों इसके फैक्टर हो गए नाउ टोटल फैक्टर्स आर वन थ्री सेवन ट्वेंटी वन तो ये हमें ट्वेंटी वन के फैक्टर्स मिल गए हैं रेस्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन जो स्टूडेंट्स हैं आप वो खुद करोगे खुद अटेम्प्ट करोगे ओके यू हैव टू राइट जस्ट ओनली द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ दिज गि आपको मल्टीपल्स पता है जस्ट अ टेबल होती है सिंपली जो हम टेबल लिखते हैं किसी भी नंबर के वो हमारे मल्टीपल्स होते हैं ओके okay? लेकिन वो टेबल हम मोस्टली जो होते हैं टेन साइकिन एट टेन इज एट्टी नाइन टेन इज नाइनटी बट दैट डजेंट मीन की वो टेबल वहां पे स्टॉप हो गई है फिनिश हो गई है आपकी जो टेबल है वो उसके बाद भी चलती रहती है नेक्स्ट नंबर्स पर बट वी हैव टू राइट ओनली फाइव मल्टीपल्स तो हम उसको फाइव फाइवजा तक एट फाइवजा नाइन फाइव ओनली फाइवा तक ही उन टेबल्स को लिखेंगे बिकॉज वी नीड ओनली फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स आपको फर्स्ट टू मल्टीपल कहे जाए तो ओनली आप टू तक टेबल लिखोगे फर्स्ट टेन मल्टीपल्स कहे जाए तो आप उस नंबर के फर्स्ट टेन तक लिखोगे और फिफ्टीन तक बोल दिया जाए तो आप उस टेबल को फिफ्टीन तक मूव करवाओगे सो आई एम राइटिंग द मल्टीपल ऑफ फाइव मल्टीपल्स ऑफ फाइव आपको फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ही लेने हैं तो मैं जो इसकी फाइव वन ज़ा फाइव फाइव टू ज़ा टेन फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी एंड फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव बस ट्वेंटी फाइव तक मैं इसकी टेबल लिख दूंगी वाई बिकॉज मुझे उसकी फाइव तक टेबल लिखनी थी फाइव फाइव जा तक तो फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स हो गए सिमिलरली आप मल्टीपल ऑफ एट लोगे तो आप एट की टेबल भी फर्स्ट फाइव नंबर्स ही लिखोगे एट वन जा एट टू जा सिक्सटीन थ्री जा ट्वेंटी फोर फोर जा थर्टी टू एंड फोर्टी तो ये हो गए आपके मल्टीपल्स ऑफ एट सिमिलरली आप नाइन के मल्टीपल्स लिख लीजिए ये आपका मल्टीपल्स के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मैच द आइटम्स इन द कॉलम वन विद द आइटम्स इन द कॉलम टू यू हैव गिवन टू कॉलम स्टूडेंट्स कॉलम वन में आपको नंबर्स दिए हैं एंड कॉलम टू में आपको उनसे रिलेटेड फैक्ट्स दिए हुए कि ये इस नंबर का मल्टीपल है या ये इसका डिवाइजर सॉरी ये इसका डिवाइजर है डिवाइजर मीन उसका फैक्टर है ओके तो आपको उनको मैच करना है कि विच नंबर किसके साथ जो होगा मैच हो रहा है वो किसकी प्रॉपर्टी को गेन कर रहा है ओके सो लुक है कॉलम वन में जो आपको नंबर दिए हुए मैच करेंगे कॉलम टू के नंबर से कॉलम टू के फैक्ट से ओके सो फर्स्ट इज थर्टी फाइव थर्टी फाइव के लिए आपको देखना है कि इनमें से कौन से statement correct है मल्टीपल ऑफ इट नो थर्टी फाइव एट का मल्टीपल नहीं होता है मल्टीपल मल्टीपल मीन मल्टीपल ऑफ सेवन लिखा है ना स्टूडेंट तो हमें सेवन की टेबल चेक करनी है मल्टीपल ऑफ सेवन लिखा है तो हमें इस seven के multiples, it means इस seven की टेबल चेक करनी है मल्टीपल्स ऑफ सेवन सेवन की टेबल में कौन कौन आएगा सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी एट थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव जो होगा वो आपका क्या है मल्टीपल्स ऑफ सेवन है ओके okay? नाउ अगर इसके अंदर कोई और फैक्टर आपको मीट करता दिखाई दे रहा है देन ओके अदरवाइज चेक द नेक्स्ट वन फिफ्टीन अब फिफ्टीन क्या हो सकता है जो हम मैच कर चुके हैं लेफ्ट दैट एंड चेक द रेस्ट वन मल्टीपल ऑफ एटीन मल्टीपल ऑफ एट जो फिफ्टीन और मल्टीपल ऑफ एट है नो मल्टीपल ऑफ सेवनटी सेवनटी के टेबल में आता है फिफ्टीन नो फैक्टर ऑफ थर्टी थर्टी का फैक्टर है देखो मल्टीपल में चेक करें तो इनके टेबल में नंबर आने चाहिए बट फैक्टर चेक करें तो उल्टा हो जाएगा इसके टेबल में ये नंबर आना चाहिए यानी कि थर्टी जो वो फिफ्टीन के टेबल में आता है एग्जैक्टली आता है तो जो आपका फिफ्टीन है वो फैक्टर हो जाएगा किसका थर्टी का नेक्स्ट वन इज सिक्सटी अब सिक्सटी के बारे में चेक करें तो आप यहां से देखिए मल्टीपल ऑफ एट यस सिक्सटी जो है वो हमारा मल्टीपल ऑफ एट है क्योंकि वो सिक्सटी जो है सिक्सटीन जो है वो एट की टेबल में आता है तो सिक्सटीन हमारा जो है वो मल्टीपल ऑफ एट हो जाएगा नाउ ट्वेंटी ट्वेंटी के बारे में हम चेक करते हैं जो हम जो हम आग कर चुके हैं लेफ्ट दे मल्टीपल ऑफ सेवेंटी यस ट्वेंटी जो मल्टीपल ऑफ सेवेंटी है नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ट्वेंटी जो है वो सेवेंटी का मल्टीपल नहीं है सेवेंटी की टेबल में ट्वेंटी नहीं आता है फैक्टर ऑफ फिफ्टी 50 का फैक्टर होने का मतलब 20 क्या 50 के टेबल में आता है नहीं ये भी नहीं आता और फैक्टर ऑफ 20 यस yes, 20 जो है वो 20 के टेबल में आता है इस 20 की टेबल में आपका ये वाला 20 आता है तो ये आप उसका फैक्टर हो जाएगा 25 की बात करें तो 25 फाइव इज द फैक्टर ऑफ फिफ्टी ट्वेंटी जो है वो फिफ्टी का फैक्टर फिफ्टी के टेबल में सॉरी 50 जो है वो 25 की टेबल में आता है ये इसका एक फैक्टर हो गया बाकी जो हमारा बचा है मल्टीपल ऑफ 70 इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि 70 के मल्टीपल होने का मीनिंग है 70 की टेबल और 70 की टेबल मतलब 70 से ग्रेटर नंबर और यहां कोई भी नंबर आपको 70 से ग्रेटर नहीं दिया है तो आपको सेवेंटी के मल्टीपल्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे फाइन द मल्टीपल्स ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड हमें नाइन के मल्टीपल्स मीनिंग ऑफ दैट नाइन की टेबल लिखनी है राइट करनी है बट द नंबर शुड बी लेस देन हंड्रेड ओके तो हम क्या करते हैं हम नाइन की टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं ओके स्टूडेंट सो नाइन वन इज नाइन ओके उसके बाद होगा नाइन टू इज एट नाइन थ्री इज ट्वेंटी सेवन Nine की टेबल हमने लिख ली है तक बट तो तो हमें सिर्फ 90 है, तो हमें सिर्फ इसके आगे भी हम इनके नंबर्स ले सकते हैं मल्टीपल ऑफ नाइन हम लिख सकते हैं लेस देन हंड्रेड नाइन में नाइन्टी मिला है हम आगे कर लेते हैं इसको नाइन इलेवनजाजा मीनिंग नाइन को इलेवन से मल्टीप्लाई करके लिखना है फ्रेंड्स इसका मतलब नाइनटी नाइन जस्ट लेस देन हंड्रेड अगर मैं इसके आगे लेती हूँ नाइन ट्वेल्व तो वो आपका हंड्रेड को क्रॉस कर जाएगा ओके अगर मैं नाइन ट्वेल्वा लेती हूँ नाइन ट्वेल्वा अगर मैं लेती हूँ तो वो आपका वन हंड्रेड एट हो जाएगा वो आपका हंड्रेड को क्रॉस कर जाएगा ओके सो तो मुझे तो अप टू हंड्रेड लेना है यानी कि हंड्रेड तक ही लेना है तो हंड्रेड तक हमारा नाइन्टी नाइन वर्क करेगा ओनली इट मीनस दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ नाइन लेस देन हंड्रेड नाइन एटीन ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर सिक्सटी थ्री सेवनटी टू नाइन्टी एंड नाइन्टी नाइन दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड तो ये थे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन जस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स अब धीरे धीरे हम कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल की तरफ जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल की तरफ जाएंगे और एच सी एफ ओ एल सी एम की तरफ मूव करेंगे सो टूडे इट इज हेयर फॉर द एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन Thank you.